अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम जिस टॉय का रिव्यू करने वाले हैं, ये है एक रिमोट कंट्रोल कार। तो इसकी प्राइस को डिस्कस करते हैं, क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, और ये किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है ये भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डिज़ाइन है, फंकी सा डिज़ाइन है, मल्टी कलर्स में, ये मेरे बेटे ने पसंद किया है। वैसे ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं, प्लेन भी होती हैं, लेकिन बस वो उसको ये वाला कलर पसंद आया। तो इसकी प्राइस भी यहाँ पर मेंशनड है, ये यहाँ पर जो कि है 1520 रुपीज़। ये मैंने सेव मार्ट से ली है, वैसे वहाँ सेव मार्ट की प्राइसेस कम ही होती हैं। बहरहाल इसकी प्राइस इसी के इर्द गिर्द मिलेगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसकी पैकिंग मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार है इस तरह से, और दूसरी साइड से है इस तरह से, और जो बैक साइड है इस पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। 4 सेल इसमें डलते हैं, सब कुछ इसमें प्रॉपर मेंशन हुआ हुआ है। और ये साइड भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर तो बस इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो ये टेप लगी हुई है दोनों साइड से, लेकिन ये इस तरह से खुल जाती है। इस साइड से ये ओपन होती है, मैं निकाल के तो आपको सारी दिखाती हूँ। इसका रिमोट कंट्रोल यहाँ पर है, इसका तो मैं ओपन करके आपको चला के दिखाती हूँ। ओपन करने के बाद इसके सेल आपको मिल जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर इसके एडजस्ट कर दिए हैं। 4 इसके सेल हैं। इसके अलावा ये कॉर्ड मिलेगी आपको, जो कि रिचार्जेबल सेल के साथ यूज़ होगी, जो बहुत अच्छी बात है कि इसके जो सेल हैं वो रिचार्जेबल हैं, तो ये बहुत अच्छी सहूलत है। इसके साथ फिर ये इसका है रिमोट, ये इसका रिमोट कंट्रोल है। ये फ्रंट और बैक एंड राइट एंड लेफ्ट जो मूवमेंट है इसकी है, और यहाँ पर इसके सेल डलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी, ये इसकी पैकेजिंग थी। तो आप इसको चलाते हैं, ऐसे फ्रंट मूवमेंट, बैक मूवमेंट। अच्छा, इसकी लाइट्स ऑन होती हैं जब फ्रंट पे मूव करती है, और इसी तरह इसकी लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट है। ऐसा से मोड़ भी काट लेती है, तो ये इस तरह से बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, आराम से बच्चे खेल सकते। अच्छा, अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो इसके बॉक्स के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 8+ एज के बच्चों के लिए है, यानी कि 8 साल से ऊपर बच्चों के लिए। लेकिन मेरा जो बेटा है वो 4 साल का है, और उसने इसके साथ, वो बहुत अच्छा इसके साथ खेल रहा था। उसको सारा इसका रिमोट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट और सब इसकी मूवमेंट उसको समझ आ गई थी। तो तकरीबन 4 साल इससे ऊपर के बच्चे इसके साथ आसानी के साथ खेल सकते हैं, लेकिन 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। फिर अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो वही बात है कि जितनी आप एहतियात करेंगे चीज़ के साथ, उतनी वो ज़्यादा अरसा चलेगी। लेकिन इतनी भी कोई मतलब बुरी क्वालिटी की नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी। और प्राइस के लिहाज से ये बहुत ही मैं तो समझती हूँ कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैं तो डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूँगी। प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है, ये इसकी प्राइस है 1520 रुपीज़, जो कि बिल्कुल इसकी क्वालिटी और इसके फंक्शन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करूंगी। अगर मजीद क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।